तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। हाँ जय जी, जी जय जी, जमशेदपुर से एक खबर आ रही है जी। अभी अभी एक जो लड़के को पकड़ा जा रहा है, ये कौन है और क्या क्या मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र का ये मामला है। V2 के पास से इस लड़कों को आज पकड़ा गया है। कुछ दिन पहले एक लड़का का नाम है वेद प्रकाश सिंह, ये जो है बाजार में कुछ मॉल में खरीदने के लिए आया था बाजार, उसी वक्त इसकी मोबाइल इसके पास से गिर गई थी। जब वो गिर गया मोबाइल, तो ये लड़का ने उठाया मोबाइल को लेकर, ये लड़का भाग गया था। उसके बाद ये लड़का ने मोबाइल का सिम को कुछ दिन तक बंद रखा, उसके बाद मोबाइल का सिम को अपने मोबाइल में लगा लिया, मगर बताया जा रहा है वो मोबाइल भी उसका नहीं, वो भी मोबाइल कहीं से उसको पाया है, मिला है। तो इस मामले को लेकर के जो वेद सिंह है, उसने संपर्क करने का प्रयास किया, उससे नहीं हो पा रहा था। उसकी एक महिला दोस्त है, उसने नंबर पे कॉल करते रही लगातार, तो उससे दो दिन से बात हो रही थी। उसने अपने जाल में फंसाया लड़के को, लड़के ने कहा हाँ आप मिलिए मुझसे, आपसे प्यार करते हैं, प्यार मोहब्बत का बात चला। उसके बाद वो लड़की आज उसे वीटू के पास बुलाई थी, वो लड़का जब वीटू के पास आया, लड़की ने सारा लोगों को गेम सजा के रखा था। उसी वक्त जब लड़की लड़का से मुलाकात किया, तो फौरन जितने भी लोग उसके साथ आए थे जिनका मोबाइल था, ये लोग कार से उतर के उस लड़के को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसे साक्षी थाने के हवाले किया। जी साक्षी थाना प्रभारी इस मामले में कुछ कह रहे हैं? देखिए उनसे भी बात हुआ, अभी तो गए हैं, अभी तो मामला गया ही है, मगर इस मामले को पुलिस बढ़िया से जांच करेगी, आखिर क्या मामला है, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी लड़के के साथ मारपीट भी किया गया क्या? देखिए जरूर लड़के के साथ तो मारपीट तो किया ही गया है, इधर चोरी का मामला है, अगर लड़का को पकड़ लेते हैं कोई तो लोग आक्रोश में आ जाते हैं, कुछ मारपीट भी कर देते हैं, तो ऐसा हुआ है, मारपीट हुआ है, मगर मैं कवरेज करने से पहले उसको मारपीट कर दिया गया था। उसके बाद मैं जब पहुंचा है, तो उसे गाड़ी में जो कवरेज किया मैंने, फिर पकड़ा हुआ था लोगों ने, उसे गाड़ी में बैठा कर साक्षी थाना में हवाले किया। जी जी धन्यवाद जय जी, सोना न्यूज के लिए आप जमशेदपुर से बने रहे। वेद प्रकाश सिंह कहाँ रहते हैं? बर्मा में। क्या हुआ था, कब मोबाइल आपका गुम हुआ था? 14 तारीख को मेरा फोन वहाँ पे कोलकाता बाजार के पास से, तो जो से बोलिए कोलकाता बाजार के पास से 14 तारीख को फोन मेरा गिर गया था, ले लिया, मैंने गिरा गया बगल में गाड़ी के पास से, इधर गया था हम इस साइड से उतरे और तब तक मैं उठा के भागी, देखे था भागते हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि हम फोन खोजे वहाँ पे नहीं हुआ। जो मोबाइल लिया जब ये लड़का, इसको देखे थे लेकर नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर कैसे क्या हुआ उसके बाद? फिर आवेदन दिए थे, फिर हम दो शाम को आके 3-4 बजे के आसपास FIR किया थाना में। फिर उसके बाद अगला दिन ऑन किया था, और मेरा वाइफ से बोला कि 40,000 रुपये, मैंने मेरा वाइफ बोली कि मेरा फ़ोन है, पूछा है कौन बोल रहे थे, मेरा वाइफ बोली कि मेरा फ़ोन है, तो बोलता कि दे दो, तो बोलता है कि 40,000 रुपये देगा तो फोन। कितना पैसा? 40,000। 40,000 मांगा? हाँ। कितने का है मोबाइल? 40,000। उसके बाद? उसके बाद फिर फ़ोन काट दिया। उसके बाद क्या है कि बीच में ऑन करता होगा, तो मेरा कलीग है एक स्टाफ है, वो उसको बराबर कॉल ट्राई कर रही थी, तो उसी दिन जिस दिन मेरा वाइफ को फ़ोन किया था, उसी दिन वो मेरे कलीग को मैसेज भी दिया था ग्रुप वाले, तो मैसेज का रिप्लाई की थी थोड़ा रोमांटिक टाइप से, तो बराबर देखता था मैसेज लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा था, फिर लेकिन फ़ोन ऑन किया और इससे बात कर रहा। फिर उसके बाद आज उसको कैसे पकड़े? अभी 2 दिन पहले से इससे बात कर रहा था और बोल रहा था मिलना है, तो ये भी बोल रही हाँ ठीक है मिलेंगे, तो कल इसको बोला कि हम आए हुए हैं साक्षी, तुम मिलने के लिए आओ, लेकिन फिर उस समय हम किसी को बोले नहीं थे, इसलिए हम बोले कि अकेले आना ठीक नहीं रहेगा, हम बोले तुम ड्यूटी चल जाओ, फिर ड्यूटी चली गई, हम बोले कल बुलाना उसको, तो आज बुलाया था ड्यूटी के पास, हम तो आया था मिलने, पकड़े उसको वहीं पर। फिर क्या किया उसको? पकड़े तो उससे बोले हम फ़ोन दे दो, तो बोलता नहीं है फ़ोन मेरे पास, ऐसा ऐसा कर रहा था, फिर उसका पॉकेट से फ़ोन निकाले, तो नोकिया का कोई फ़ोन मिला। सिम आपका यूज़ कर रहा? सिम में रही। आप ही का यूज़ कर रहा? सिम में रही। अभी भी लगा हुआ फ़ोन में? हाँ। पकड़ के दे दिए? अभी हम उसको थाना